और दुल्हन प्यारे से। बहुत सारा डांस किया, बहुत सारा मस्ती किया, बहुत सारा एंजॉय किया और अब हम खा रहे हैं खाना। तो इनसे मिलवा देते हैं, हमारी बड़ी दीदी हैं और ये छोटी दीदी हैं और ये छोटे जिया जी। बड़े वाले जिया जी जो हैं यहाँ यहाँ है मेरे भाई मेरे साइड। बड़े वाले जिया जी थोड़ा काम में व्यस्त हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं हमारे घर की। तो अब खाना खा के मिलते हैं फेरों में और ब्लॉग हमारा शूट करेगी शिवानी मिश्रा। ओके खिला तो दो एक बार। लो अभी इतना ज़्यादा तुम लाया, इसमें नहीं रिकॉर्ड हुआ, इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। आप भी खिला दो दीदी। क्या बोले जीजू नहीं कह गौरी नारायणी सौभाग्यम सिंदूरम सोमनर्थम सिंदूरम सुखवर्धनम शुभदा कामदा चो सिंदूरम गति गयिताम्ब अंजलि की यही रहती है जो लगेगा तो आपसे इशारा कर देगा। लड़ीज जलाए हो जलना देना ये पता नहीं। कस्तूरी तिलकम ललाट मजले वत्सले कौतिकम दासाद्री गुणमोदकम कविताम करम सर्वाणी हरिचंदनम सुरस्तम परिचा मुक्ताम ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः दोहत प्रचार नमो पदमा प्रचारितो अथर्वशाले रोगिवा वराय नमः वराय चरणं गुरु वराय नमः तीन बार वराय
कह रहे हैं कि यहाँ जो
मिलेगा वो मेरी जेब में जाकर मैं रूम के पैसा रखूंगा। मैं तो बहुत कुछ सोच कर रखा हूँ। ये पीडीसी है, चला जा रहा है। चलो भाई खड़े हो। अरे आपका है वो, आपका हो गया, हो गया, आप रखिए उसको। आपका है भैया, दे रहे जो मिल गया वो भाई प्रथम आ जा भैया प्रथम, आपको रहना भी है प्रथम, यही रहना ही है। यहीं बैठे रहो ना, तुम नहीं लेना भाई, जा ही रखे हैं कमल रखे हैं, नहीं बैठे दूसरी बार डालने तीसरी बार उसमें इदम राजा नामेचा नहीं है तुम्हारा नीचे एक एक मिनट आपका हाथ ऊपर रहेगा बिल्कुल ठीक है और कन्या का हाथ नीचे रहेगा। इदम राजा नामेचा पुष्पा मांस बुद्धिकार का माया तुम विश्वते चा लेनो मम मिदाय स्वाहा इदम राजा नमः नीचे जा ओम गणाय सौभाग्य चा हंते मत जाय तम आय भोगम शक्ति चा लाजा पत्राय देवताय स्वाहा इदम लाजाय नमः तो पामूलम स्वादेशा मम भोजाय सप्तिकम पूयिताय पृथिव्याय तद्विवाय देताय प्रजापति स्वाहा। चलिए भूमि अब दो परिक्रमा जो है करके आराम से लग गया बहुत तेज़ महाराज। ये चार पे इसको आगे बढ़ाएंगे ना, अपने अपना भाई अपना अपना लीजिए कोई बढ़ा जो चार आगे बढ़ाओ है चार की आगे बढ़ाओ चार देख लेते यहाँ साड़ी भी साड़ी भी चले जाओ ओम जय तीन चलो अब आप सुनो साथ में गठबंधन होगा चलेगी कलश जल रहा है इसीलिए आप पैर से उसको स्पर्श करेंगे दीवाली करेंगे हाथ ज्ञानिकानि च पापानि च मन्त्रकृतानि च ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाति सभूमि कुम ईश्वत्वा तिष्ठित शांगुलम्मा दो ही फेरा होना था नहीं है चार बढ़ जाओ ये था बढ़ जाओ के चलो घूमो आगे बढ़ो बाया हाथ हाथ कंधे में रखो बाया हाथ कंधे में रखो चलो उसको आप हाथ से स्पर्श करें स्पर्श करो लोड़ा लोड़ा ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि रुक जा बेटा उसको और आगे बढ़ा दूंगा दूसरी बार ओम हरि ओम महा सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वागर्णो विश्वं पक्षो वागर्णो प्रतिपत्ते
जगता पितरो वंदे एक टच करो बेटा ओम हरी ओम महा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपूजा मंगलम कुंडलाक्ष मंगलायतनो हरि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्रपाति सभूमि गुम उसको आगे बढ़ा पहले ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्रपाति सभूमि गुम स्पुत्वा तिष्ठि दशांगुलम महा इसको घुमा दिया है ओम हरि ओम महा ओम पुरुष एवेदम यद सर्व ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा यज्ञ नारायण देवता भ्यो नमः स्वाहा यज्ञ नारायण देवता भ्यो नमः स्वाहा नमो अरयम देवे च केतो मुच्चे मते स्वाहा इदं मणिमे नमम ओम इदं लाजा पूजे च लाजा नावपंतिका रत्ने मुच्च ओम गैणम सौभाग्य चा हस्ता माम जटाधिकम बाबो अश्वे सत्य चा पुनागम बा पत्य देवताय स्वाहा थोड़ी सी लगाइए थोड़ा आगे बढ़ते जाए ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सिंदूरम सुखवर्धनम सीधि ओम सुमंगलेयं वधूरियं वंशमेव पश्यतः सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यथा अष्टम दिपे ओम ओम सुमंगलेयं वधूरियं वंशमेव सौभाग्यमस्मै दत्त्वा ओम 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 मरियम महा ओम सुमंगलियम बलोरियम गंगा सुमेक पश्यतः सौभाग्यमस्मै दत्त्वा भाग्यम तुम प्रभात कहता है आज तो हरु भाई अरे ठीक है कुछ नहीं हाँ सात बार इधर मुंह कर दे हाँ तो भागना तो है अगर इशारा कर ये पैसा अपने जेब में रखो अरे वो तो पहले पंडित मान लेंगे नहीं कुल करा पहले मान लेंगे वो नहीं कुल करा सेवा करेंगे दक्षिण बल्लू का पक्का शोक सका सर्कस के बाद
यज्ञदानं मया सहतुयं यदि कर्म कुरिया वामांग मायामी तदा तदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि आप करते हैं तो उसमें मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। ये कन्या पक्ष के द्वारा कहा गया पहला वचन। हव्य प्रदाने रवरान पितरं कव्य प्रदाने यदि पूजिये था वामांग मायामी तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कुटुंब रक्षा भरणी यदि तुम कुरिया पशुनाम परिपालनं च
वा मांग मायामी तथा तुरीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यह वाक्य जो है क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश था और उस कृषि प्रधान देश में लोगों की जीविका का साधन जो है वो कृषि ही था, तो घर में पशुपालन होता था, तो पशुपालन घर की जो जवाबदारी है इनके अधीन, बाहर का काम आपका काम है, इनके अधीन रखना। आज चूंकि कोई व्यापार में है, कोई सर्विस में है, इसलिए आज भी ये बात लागू होती है, यदि आप घर में कोई भी पशु रखते हैं तो पहले उनसे चर्चा करके पांच उनकी राय लेकर के, आपने शौक में तो बहुत बढ़िया एक शेर जैसे कुत्ता रख दिया और घर में वो फैला रहा गंदगी चारों तरफ, जो साफ कर रहे हैं उनकी सहमति है कि नहीं घर में, ताकि महाभारत ना हो, चर्चा करके आपस में रजामंदी के साथ जो है कार्य करने के लिए आप तैयार हो तो मैं आपके वामांग वाम में आने के लिए तैयार हूँ। आय व्ययो धन धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं चाग्रहे निदध्याय वा मांग वायामि तदा तदीयं जगात कन्या वचनं चतुर्थम। कन्या चौथा वचन कहती है कि अन्य तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानं मया सह त्वं यदि कर्म कुरिया वा मांग मायामि तदा तदीयं जगात वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि आप करते हैं तो उसमें मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। ये कन्या पक्ष के द्वारा कहा गया पहला वचन। हव्य प्रदाने रवरान पितरम कव्य प्रदाने यदि पूजे था वामांग मायामी तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कुटुंब रक्षा भरणी यदि तुम कुरिया पशुनाम परिपालनं च वा मांग मायामी तथा तुदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यह वाक्य जो है क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश था और उस कृषि प्रधान देश में लोगों की जीविका का साधन जो है वो कृषि ही था, तो घर में पशुपालन होता था, तो पशुपालन घर की जो जवाबदारी है इनके अधीन, बाहर का काम आपका काम है, इनके अधीन रखना। आज चूंकि कोई व्यापार में है, कोई सर्विस में है, इसलिए आज भी ये बात लागू होती है, यदि आप घर में कोई भी पशु रखते हैं तो पहले उनसे चर्चा करके पांच उनकी राय लेकर के, आपने शौक में तो बहुत बढ़िया एक शेर जैसे कुत्ता रख दिया और घर में वो फैला रहा गंदगी चारों तरफ, जो साफ कर रहे हैं उनकी सहमति है कि नहीं घर में, ताकि महाभारत ना हो, चर्चा करके आपस में रजामंदी के साथ जो है कार्य करने के लिए आप तैयार हो तो मैं आपके वामांग वाम में आने के लिए तैयार हूँ। आय व्ययो धन धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं चाग्रहे निदध्याय वा मांग वायामि तदा तदीयं जगात कन्या वचनं चतुर्थम। कन्या चौथा वचन कहती है कि अन्य तथा धन आदि जो कुछ भी घर में आए किसी भी स्रोत से, चाहे व्यापार से, नौकरी से, कृषि से, किसी भी स्रोत से घर में जो धन आए तो उस धन को संचित करके घर में रखने की जवाबदारी मेरी होगी। आप मेरे पर विश्वास रखते हुए मेरे अधीन रखने के लिए और उचित रूप से खर्च करना आदि स्वीकार करें इनके द्वारा, तो कह रहे कि मैं आपके वाम भाग में आऊं।
देवालयाराम तड़ाग कूप है वापी विदर्ध्या यदि पूजे था वावांग वायामी तदा तो दियं जगात कन्या वचनम चा पंचमम पांचवें वचन में कन्या कहती है यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या बावली आदि तैयार करावे तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यह कार्य बहुत श्रेष्ठ कार्य होते हैं। इन श्रेष्ठ कार्यों को भी आप अकेले अकेले नहीं कर सकते, साथ में जो है उनको रखने के लिए अगर आप तैयार है तो आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार है। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्याय क्रह विक्रयोतयम् वा वांग मायामी तदा तुदीयम् जगात कन्या वचनम् च षष्ठम्। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें यदि उनकी भी सलाह आप स्वीकार करें तो वो आपके वाम भाग में आने को तैयार है। इसको कोई जल्दबाजी का वचन नहीं है, इसको बहुत आसानी से सुनना है, चाहे अपने देश में हो या अपने प्रदेश में हो या दूसरे प्रदेश में, अर्थात देश के भीतर ही है या देश के बाहर, कहीं भी कोई आप लेन देन करते हैं क्रय विक्रय करते हैं तो बिना चर्चा करके अभी आपका आजाद थे, आज से अब आपकी आजादी ठीक है, पर ग्रहण लगा है, अब जो है साथ में चर्चा करके परामर्श करके ही कार्य करने के लिए आप तैयार हो तो आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार है। इसके बाद जो है कन्या सातवें वचन में कहती है, इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा, न सेवनिया यदि पार किया तो या बहुत भावीन कामनीति वा वांग मायामी तदा तो दियम जगात कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है पराई स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, और आगे सुनना भैया, अगर आपकी उम्र से बड़ी है बताइए, इनकी विदाई हो रही है और ये रो भी नहीं रही है। अरे दीदी थोड़ा सा रो लो, दीदी थोड़ा सा, अरे अरे दीदी थोड़ा सा रो लो, अरे धीरे धीरे पहले तो ना मेरी बात बाय जी बाय तो कर लो। हाय गाइस, तो अभी फाइनली शादी खत्म हो गई, अब विदाई का टाइम है, अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें शांति ब्लॉग्स, बाय बाय। एक बार अब आप पीछे हो जाओ, ये भी कैसे अब ये भी तुम डाल पहले उसका मुंह उठा कर फिर वो लगा, हालांकि की सबसे पहले सांबा को जरूर ले जाना, हाँ भाई का सांबा को ले जाना भैया, ये तो बस दुख है। मौसी भी आई क्या, मौसी थोड़ा सा कंजन क्या आ जाओ कंजन, वो तेरा दोस्त का अच्छे 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 इधर आओ, अच्छे कहाँ है, इधर आओ, इधर तो चल तेरी बारी है, ये थोड़ी चलो ठीक है। अरे मम्मी तुम भी क्या, मम्मी 150 रुपए पड़े क्या, दे दो, अरे 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 मम्मी भी देना है, रोकते हैं।